दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए लेकर आया हूँ T20 वर्ल्ड कप को लेकर 10 बड़े अपडेट्स। कल के मुकाबले में बने बड़े रिकॉर्ड्स, भारत में हुए 3 बड़े बदलाव, हार्दिक पांड्या पर बड़ा कंफ्यूजन, T20 वर्ल्ड कप में कौन से खिलाड़ी बाहर और कौन हुए चोटिल, दोनों ग्रुप के अपडेटेड पॉइंट टेबल, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाना पड़ा महंगा। इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़े बड़े अपडेट्स और न्यूज आ रहे हैं जिसे हम आपके लिए इस वीडियो में कवर करते हैं। यह हमारे T20 वर्ल्ड कप अपडेट सीरीज का 12वां पार्ट है और ऐसी वीडियोस आपके लिए हम रोज लाते हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले दिन प्रतिदिन रोमांचक होते जा रहे हैं और कल का जो मुकाबला खेला गया था नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच, उसमें नामीबिया जैसी टीम ने सबको इम्प्रेस किया और काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया और स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराया। नामीबिया के गेंदबाजों ने, खास करके रूबल टेम्पलमैन ने, पहले ही ओवर में 3 विकेट झटक लिए थे स्कॉटलैंड के और नामीबिया की जीत की नींव रखी थी। पहली बार सुपर 12 में पहुंचे नामीबिया के इस तरह से प्रदर्शन का उम्मीद किसी को नहीं था और आगे देखिए नामीबिया कैसा प्रदर्शन करते हैं महाबली टीमों के खिलाफ। इसके साथ ही कल एक और मुकाबला खेला गया था इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच, जिसमें आराम से इंग्लैंड की टीम ने बांग्लादेश को हराया था। वैसे आपको बता दें कल पहली बार था कि बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में आपस में टकराए थे। इंग्लैंड की तरफ से जेसन रॉय ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 61 रन की पारी खेली, जिसकी वजह से वह मैन ऑफ द मैच भी बने। और आज आपको T20 वर्ल्ड कप का सिर्फ एक मुकाबला देखने को मिलेगा जो होगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच, शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा और आप इस मुकाबले का मजा MPL पर फैंटेसी क्रिकेट खेलकर ले सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे IPL 2021 के दूसरे पार्ट में मैंने MPL पर फैंटेसी क्रिकेट खेल के लाखों कमाया था और T20 वर्ल्ड कप में भी मैं MPL पर फैंटेसी क्रिकेट खेल रहा हूं। मैंने IPL के वक्त MPL पर 20 से भी ज्यादा टीमें बनाकर खेली थी और मैंने 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा जीते थे और इस बार T20 वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों में मैं 20 टीम बनाकर खेलूंगा और लाखों फिर से कमाऊंगा। दोस्तों मैंने आज के मुकाबले के लिए ऑलरेडी 19 टीम बना लिया है और आप यहां पर देख सकते हैं मेरी 20वीं टीम। दोस्तों MPL पर वर्ल्ड कप में इंडिया के मैच वाले दिन आप 2 करोड़ जीत सकते हैं। इसके साथ ही 1,000 रुपए तक का कैशबैक भी पा सकते हैं मिनिमम 35 रुपए के डिपॉजिट पर। और हाँ, MPL पर फ्री में भी खेलकर लाखों जीत सकते हैं आप। यह सब लोग जैसे विनर्स बने हैं वैसे आप भी अपनी टीम बनाकर विनर्स लिस्ट में अपना नाम बना सकते हैं, तो देर किस लिए कर रहे हैं, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से MPL ऐप को डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाकर मेरे साथ खेलें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट आप ही डिसाइड करें कि खुशी की खबर है कि दुखी की खबर। आपको बताना चाहेंगे हार्दिक पांड्या ने अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया है और कल वह नेट में बॉलिंग करते हुए भी देखे गए। पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे और लंबे समय के बाद वह गेंदबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो फिर वह गेंदबाजी करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय के बाद हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं और ऊपर से चोटिल रहते हैं, तो क्या उन्हें न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खिलाना एक सही फैसला रहेगा कि नहीं। और वैसे भी न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत के लिए वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, तो आप ही हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या हार्दिक पांड्या को अगला मुकाबला खेलना चाहिए कि नहीं। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने के लिए 3 बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हार्दिक पांड्या की जगह पर ईशान किशन को मौका देना, क्योंकि ईशान किशन हाल फिलहाल में बहुत ही ताबड़तोड़ फॉर्म में है और यह उन्होंने IPL में भी दिखाया और वार्म अप मैचों में भी दिखाया। दूसरा बदलाव, भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाना। वैसे भी भुवनेश्वर कुमार काफी लंबे समय से किसी तरह का फॉर्म नहीं दिखा रहे हैं और विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं, जबकि उनके जस्ट उल्टा शार्दुल ठाकुर फॉर्म में है और वह विकेट लेने की कैपेसिटी रखते हैं, साथ में अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। और तीसरा है वरुण चक्रवर्ती की जगह पर रविचंद्रन अश्विन को मौका देना। वरुण चक्रवर्ती भले ही मिस्ट्री स्पिनर है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वह बहुत ही बेकार गेंदबाजी किए हैं और उनकी जगह पर रविचंद्रन अश्विन को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वह अनुभवी भी हैं और काफी अच्छे फॉर्म में भी दिख रहे हैं। आप हमसे सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ओबेड मैकॉय को पैर में चोट लग गया है, जिसके बाद उन्हें पूरा टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पर वेस्टइंडीज के रिजर्व खिलाड़ी जेसन होल्डर को टीम में शामिल किया गया है। और वैसे भी वेस्टइंडीज की टीम अपना दोनों मुकाबला हार चुके हैं और ग्रुप 1 के पॉइंट टेबल में सबसे लास्ट में हैं और उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बहुत ही कम हो गए हैं। अब देखिए जेसन होल्डर कुछ कमाल कर पाते हैं तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क की तरफ से। आज ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका के साथ मुकाबला होने वाला है और प्रैक्टिस सेशन के दौरान मिचेल स्टार्क फिट नहीं थे और उन्हें मैदान में दौड़ने में दिक्कत भी हो रहा था, तो हो सकता है आज के मुकाबले में आपको मिचेल स्टार्क देखने को ना मिले। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका से जीता था, हालांकि उसमें मिचेल स्टार्क का वह घातक गेंदबाजी हमें देखने को नहीं मिला था जिसके लिए वह जाने जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले में हो सकता है मार्टिन गुप्टिल ना खेले। मार्टिन गुप्टिल को पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में पैर में चोट लग गया था। मार्टिन गुप्टिल यदि नहीं खेलते हैं तो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड की तरफ से T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से क्विंटन डिकॉक ने ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए घुटने पर नहीं बैठे थे और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने यह क्लियर कर दिया है कि वह ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट नहीं करते हैं और वह किसी भी मुकाबले में घुटने पर नहीं बैठेंगे। और इसके पीछे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वह पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह पहले भी कह चुके हैं कि इस मूवमेंट को सपोर्ट वह दूसरे तरीके से करते हैं और उनका कुछ और मकसद।
मकसद है। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है एक ऐसी टीचर को लेकर जिन्हें पहले तो स्कूल से निकाला गया और उसके बाद फिर अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के बाद पाकिस्तान के जीतने का जश्न का स्टेटस लगाया था। राजस्थान की यह टीचर नीरज मोदी स्कूल में पढ़ाती थी और उनका नाम नफीसा अटारी है। उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा हुआ था जीत गए V1। उनके स्टेटस पर बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट किया था कि वह पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं क्या, तो उन्होंने लिखा था कि हाँ, इस तरह की घटनाएं और भी 8-10 जगह भारत में देखने को मिला है। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन की तरफ से। साकिब अल हसन अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त से गुजर रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद साकिब अल हसन T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले नंबर 1 की पोजीशन पर थे मोहम्मद नबी। इसके साथ ही आपको बता दें T20 क्रिकेट की पूरी रैंकिंग और कौन से खिलाड़ी किस पोजीशन पर हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही T20 मुकाबलों के बाद क्या रहता है पॉइंट टेबल, कौन है टॉप पर कौन है नीचे, उसकी भी रियल टाइम अपडेट आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो यह थे आज की T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़े अपडेट्स और न्यूज़। इसके साथ ही दोस्तों हमने आपके लिए अगले मैच में बहुत ही बड़ा गिव अवे रखा है, तो जल्दी से MPL ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अभी तक टीम नहीं बनाया MPL पर तो अभी बना लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।